हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवेशानंद देबा फिर से आप सभी का आपके अपने एक यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों की प्रैक्टिस, जैसा मैं कहते आई हूँ कि प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़ना क्वेश्चंस की, तो वो भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे एप्टीट्यूड के कौन से चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद उसमें जैसे जैसे भी कोई नया कंसेप्ट आ रहा था वो भी सब कुछ हम लोग साथ ही साथ सीखते चल रहे थे। और आपको पता है जैसे ही हमारी बेसिक की क्लासेस होती हैं वैसे ही रीजनिंग की बेसिक की क्लासेस होती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जा करके देखो, आपकी टेक्निकल की भी क्लासेस होती हैं, आपकी मनीषा मैम ले रही हैं, तो अगर आपने नहीं देखा आप उसको भी जाओ देखो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हमारी अभी इसके पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पहले हमने आपका परसेंटेज लेक्चर पूरा कवर कर दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर ये देख लो। आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में प्रोवाइड है, एक सीक्वेंस में प्रोवाइड है, तो आप जाकर के वो देख सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे रेशियो पे बेस। इसके पहले हमने बहुत नए नए कंसेप्ट सीखे थे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन में, तो मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और बाकी कल के इसके पहले के लेक्चर में जो भी हमने कराया आपको, मुझे उम्मीद है आपको वो सारी चीजें भी समझ में आई होंगी, कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैसे करा हमने क्वेश्चंस को, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम लोग उससे कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और वैरायटी करते हैं क्वेश्चंस की और रेशियो में जानते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है, वो सब कुछ हम लोग आगे सीखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगा राइट में क्वेश्चन, राइट साइड में आपके क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग उसको ट्राई करो एक बार। ठीक है, इसको ट्राई करो, बताओ क्या होगा आपका आंसर। देखो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करा करो, अटेम्प्ट जरूर किया करो। अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो आप कैसे देखोगे अपने आप को कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रही, किस स्टेप में आप पीछे हो, तभी तो आप अपना इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ देख करके एनालाइज कर लिया कि ये मेरे हो जाएंगे, ये मेरे को नहीं आ रहा है, तो ये चीज सही नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करा करो उठा के पेन पेपर पे, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। अगर आपको खुद अपनी कमी पता है तभी आप उसको दूर कर सकते हो, इसीलिए जरूर से क्वेश्चंस को सॉल्व करा करो। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, इसका बताओ आपको आंसर क्या हो जाएगा। क्या बोला पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। रुपए 555 वाज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 1/4 1/5 1/6, बट बाय मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 4/5/6। द अमाउंट इन एक्सेस रिसीव्ड बाय सी वॉज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज आपको समझ में आई। देखो कुछ रुपए है, कुछ अमाउंट है 555 रुपए है, उसको क्या करना था, ए बी सी में डिवाइड करना था। ठीक है, तब डिवाइड करना था आपको 1/4 1/5 1/6 के रेशियो में आपको डिवाइड करना था, बट क्या होता है गलती से ये क्या हो जाता है 4/5/6 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कोई चीज गलत हो जाती है उनसे बाय मिस्टेक, तो ये क्या होता है 4/5/6 के रेशियो में डिवाइड हो जाता था, करना था हमें 1/4 1/5 1/6 में और हो जाता हमारा 4/5 और 6 के रेशियो में। तो यही पूछ रहा है आपसे कि जो सी के पास एक्सीड अमाउंट, मतलब सी को पहले कितना करना था और अभी सी पे कितना जा रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली आपसे। अब हम लोग क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ए बी सी है, क्या है आपका ए बी सी, तो आपने ले लिया ए बी और सी। अच्छा बताओ इसको हमें कितने, किस रेशियो में इसको हमें इन रुपए को ए बी सी में बांटना था, तो 1/4 1/4 1/5 और 1/6 इस रेशियो में हमें ए बी सी में क्या करना था, रुपए को बांटना था, डिवाइड करना था आपस में। अब देखो ये फ्रैक्शनल में रेशियो है, इसको मैंने आपको सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो क्या करोगे आपको इस तीनों जो नंबर है उसमें क्या करोगे, आप जो 4/5/6 है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तब जाकर के हमारा एक सिंपल रेशियो का फॉर्मेट बन जाएगा। और आपको पता है वैसे भी कि हम किसी भी नंबर से अगर रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तीनों रेशियो में, तो उसकी रेशियो में फर्क नहीं होता है, तो रेशियो अभी भी आपकी सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, 4, 5 और 6 के
आपके एलसीएम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों रेशियो में, तो आपका 4, 5, 6 उसका एलसीएम क्या है, तो 4, 5, 6 का एलसीएम क्या है, 5×20 × 3 मतलब 60, ठीक है, 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप इस नंबर में भी 60 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई कर देना और इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, समझ में आया। देखो अब 60 से आप भले ही मल्टीप्लाई कर दिया, आपने क्या रेशियो में चेंज होगा क्या, मैं पूछूंगा रेशियो में आपके चेंज हुआ क्या, नहीं, रेशियो में भी आपकी 1/4, 1/6, 1/6 ही है, ठीक है, 1/5, ठीक है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई किया तो ये 4 से कट रहा है, काट दो 15 टाइम्स में, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 4 से 15 टाइम्स में कट रहा है, मतलब ये क्या आ गया आपका 15। इसी तरीके से 5 से 12 बार में कट रहा है ये, तो आपका बी का रेशियो क्या आ गया 12। उसी तरीके से 6 से 10 बार में कट रहा है, मतलब ये क्या आ गया आपका 10, ठीक है। तो आपके ए बी सी की यहां से रेशियो आ गए, सिंपल रेशियो जो आपका 1/4, 1/5, 1/6 के फॉर्म में था उसका हमने क्या किया है, सिंपल रेशियो निकाल लिया है कि भाई ये 1/4, 1/5, 1/6 क्या है, तो आपका 15:12:10 का फॉर्मेट है, ठीक है। इस रेशियो में जो है हमें, इसी रेशियो में हमें उस रुपए को डिवाइड करना था, बट मिस्टेकली गलती हो जाती है और किस रेशियो में डिवाइड हो जाता है रुपए, तो आपका 4, 5 और 6 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये ए बी सी है, गलती हो जाती तो 4, 5, 6 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है बाय मिस्टेक, ठीक है। अब बताओ टोटल अमाउंट था कितना, टोटल अमाउंट था कितना, 555 था ना, हाँ, इसी रुपए को आपको एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये बताओ एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो यही 555 आपको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट आप क्या हुआ है, गलती से इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बट लेकिन अमाउंट अभी भी तो सेम ही है ना, ये अमाउंट अभी भी सेम ही है, मतलब इसी अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड करना था आपको, लेकिन मिस्टेकली इसी अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया है आपको, तो वही आपसे पूछ रहा है कि सी कितना एक्सीड है, तो मतलब इसका टोटल अमाउंट यहाँ से क्या निकालोगे, ए बी सी का क्या निकलेगा आपका, तो 5×2 = 10 × 12 = 22 × 5 = 27 × 10 = 37 ये आपका क्या आ जाएगा 37 और ये 6×4 = 10 × 5 = 15 ये आपका क्या है 15। तो भाई यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या है 37, यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या है 15, ये भी आपका क्या है टोटल अमाउंट A+B+C का है, ये भी आपका टोटल अमाउंट क्या है A+B+C का है, लेकिन यहाँ जो है अमाउंट A+B+C का क्या है 555, मतलब आपको सेम अमाउंट जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वही आपको यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, A+B+C, इसकी वैल्यू दो जगह अलग अलग तो होगी नहीं, एक ही होगी, यहाँ भी एक होगी, तो मतलब हमें यहाँ भी होगी, तो यहाँ पे एक है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक करना पड़ेगा, क्यों एक करना पड़ेगा, ये चीज आपको क्लियर हुई कि हमें एक क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सेम अमाउंट हमें यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना और वही सेम अमाउंट हमें यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो सेम करेंगे तो करेंगे क्या करेंगे, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और अगर इस रेशियो को 37 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब हमारा जाकर के ये अमाउंट सेम आ गया, देखो 37 × 15 और 15 × 37 इक्वल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करा आपने, तो सारे रेशियो में क्या हो जाएगा आपका 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे रेशियो में आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सारे रेशियो में 37 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ये नंबर है ना A+B+C दोनों में इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो ये जो आपको 37 × 15 ये आपका टोटल A+B+C की वैल्यू है, तो आपको ये वैल्यू जो है 37 × 15 यही दे क्या रखी है 555, ये क्या दे रखी है आपको 555, मतलब 37 × 15 = दे क्या रखा आपको 555, तो आपके एक की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो 555/37×15, ठीक। और अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि भाई सी जो है सी में कितना एक्सीड हुआ है इन सी, हाँ एक्सीव्ड रिसीव्ड बाय, मतलब सी कितना अमाउंट ज्यादा प्राप्त किया है, तो एक ये था आपका रियल रेशियो, इस रेशियो में आपको बांटना था लेकिन गलती से आपने इस रेशियो में बांट दिया है, तो सी को कितना ज्यादा मिल रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई यहाँ पे कितना था 150 और यहाँ पे
मिलना था उसको 150 और यहाँ पे मिल कितना रहा है 6 × 7 = 42, 6 × 3 = 18, 222, ठीक है, मिलना उसको 222, तो 222 से 150, मतलब 150 से 222 मिला है, तो कितना एक्सीड है, एक्सीड कितना है, तो बोलोगे 222 माइनस 150, अब यहाँ पे 50 जोड़ोगे तो आपका 200 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72, ठीक है, तो मतलब आपका क्या 72 जो है सी को ज्यादा मिला है, तो अब आपको यहाँ पे 72 ज्यादा मिला है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू मतलब 555/37 × 15 है, तो इसलिए आपको 72 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यों, क्योंकि आपको ये भी जो है सब कुछ सारी वैल्यू इसी के मल्टीपल में होगा, तो ये आपका जो एक्सीड हुआ है नंबर वो भी आपका इसी के मल्टीपल में एक्सीड हो जाएगा, तो मतलब आपको 37 × 15 = 555, एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो ये जो 72 है आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे, तो आपकी 72 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो 555/37 × 15 और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 72, ठीक है, क्लियर ये चीज, अब देखो ये कट रहा है, इसे काट दो 15 से ही काट दो, 15 × 3 = 45, हाँ फिर 10 × 35 = 45, 45 × 6 = 50, 70 × 105, ये 37 टाइम्स में कट रहा है, और ये देखो 37 से 37 कट गया, तो आपका टोटल आया कितना 72, कितना आया 72, दैट मीन्स आपका ये जो अमाउंट है सी वो कितना अधिक है, तो पहले से उसको 72 रुपए ज्यादा मिले हैं, समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसको अप्रोच कैसे करना, ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन में बस आपको ये समझना था कि जो हमने टोटल ए बी सी लिया है उसको हमें क्या करना था, इक्वल करना था, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू दो जगह अलग अलग तो होगी नहीं, या फिर यहाँ दोनों होनी तो सेम है, ठीक है, अब उसको आप जो टोटल अमाउंट गिवन है उससे आप क्या करो रिलेट कर दो, उसके बाद उससे रिलेट करके तो जो आपको फाइंड आउट करना है वो चीज आप उसकी वैल्यू निकाल दोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, चलो मैं इसको रब करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं रब करती हूँ, ये समझ में आ गया ना आपको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो नहीं समझ में आया तो फिर से आप देखना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये कोई बहुत टफ कंसेप्ट नहीं था, लेकिन हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसलिए मैंने इसको लिया है, इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपके आरआरबी के क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ये आरआरबी में, ये जो आपका प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का हुआ था भी एग्जाम, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे, इसीलिए मैंने इसको उठा रखा है, इसको कवर कर रखा है, देखो जो भी आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं अभी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डीआरआरबी वगैरह, तो उसके भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मिलते जाते हैं मैं आपके लेक्चर्स में डालती जाती हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको करा करो अच्छे से, क्योंकि बीच बीच में वो भी क्वेश्चन इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है, अब आपको पता है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी चीज की एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना, क्योंकि उसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो सॉल्व करो, क्या बोल रहा है, कोई आदमी अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड हिज वाइफ शेयर्स टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशियो 3:1, तो कोई आदमी है वो क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देता है अपनी वाइफ में बेटे में और बेटी में, ठीक है, अब बोल रहा उनका रेशियो दे रखा है कि किस रेशियो में डिविजन करता है वो, तो हिज सन शेयर टू हिज वाइफ, सन से वाइफ का शेयर दे रखा है और वाइफ से डॉटर का शेयर दे रखा है ना, आर बोथ है सेम इन द, हाँ वाइफ शेयर टू हिज डॉटर शेयर बोथ आर इन द रेशियो 3:1, तो ये भी रेशियो आपको 3:1 है और वाइफ से जो डॉटर का प्रॉपर्टी में डिविजन होता है उसका भी रेशियो क्या है 3:1 के पार्ट में होता है, ठीक है, अब ये रेशियो मैंने आपको सॉल्व करना कई बार बता चुकी हूं मैं, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 तो आप मल्टीप्लाई कर दो 9, 3 और 1, मतलब आपको प्रॉपर्टी का डिविजन सन में वाइफ में और डॉटर में क्या हो जाएगा, तो 9:3:1 के रेशियो में हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, यहाँ पे डॉटर और सन की बात हुई है, तो भाई ये डॉटर कितना कम पा रही है, तो 9 यहाँ पे है, 9 बेटे को मिल रहा है, 1 उसकी बेटी को मिल रहा है, तो कम कितना मिल रहा है, तो 9 - 1 कर दोगे,
9 माइनस 1 कब मिला इज इक्वल टू 8, इसी 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 10,000 रुपीज, इसी 8 की वैल्यू ही 10,000 रुपीज आपको गिवन है और आपसे पूछ क्या रहा है कि ऑफ देन द वैल्यू इन रुपीज ऑफ द होल प्रॉपर्टी, तो आपके होल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, तो भाई 8 रुपए की वैल्यू अगर 10,000 है तो टोटल होल प्रॉपर्टी थी कितनी, तो 9 10 3 13 ही तो थी, 13 क्यों थी, ये होल प्रॉपर्टी थी, टोटल प्रॉपर्टी 13 क्यों थी, क्योंकि भाई जो टोटल प्रॉपर्टी थी उसको डिवाइड किया सन वाइफ और डॉटर में, तो टोटल प्रॉपर्टी थी इतनी तो उसके पास, तो आपको अगर 8 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ये, तो आपके कितने के मल्टीपल में है, तो आप बोलोगे 25 × 5 मतलब 125, ठीक है, तो आपका ये 1250, देखो मैंने सही करा कि नहीं, तो ये आपका 1250 के मल्टीपल में है, तो आपकी जो 13 है टोटल मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो भी आपके क्या हो जाएगा 1250 के मल्टीपल में हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो क्या है यहाँ पे इज इक्वल टू 13, वो भी आपका क्या हो जाएगा 1250 के मल्टीपल में हो जाएगा, ये चीज क्लियर, अब आप मल्टीप्लाई कर दो 13×5 65 हाथ में 6 13×2 26 और 26 और 6 हाथ में 3×13 16 250 मतलब टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी रही होगी 16250, ठीक है क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं बताओ आप मेरे को, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बस कैसे डिवीजन हुआ है रेशियो में, किस रेशियो में क्या, ये तो सिंपल बस यही था, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी है कि नहीं, नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर इसको मैं रब करती हूँ, चलो इसको मैं रब करती हूँ, अब आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, बताओ कैसे करोगे आप लोग, आंसर बताओ फटाफट इसका कि आएगा क्या, जल्दी बताओ क्या बोला है कि कोई अलॉय है कंटेन कर रहा है कॉपर जिंक और निकल, तो अलॉय है वो कंटेन कर रहा है कॉपर जिंक और निकल इन द रेशियो 5:4:3, क्या है आपका, कॉपर है जिंक है और निकल है, ठीक है, उस अलॉय में कोई कॉपर जिंक और निकल है, किस रेशियो में है, तो 5:4:3 इस रेशियो में है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ जिंक इन केजी दैट मस्ट बी एडेड टू 1080 केजी ऑफ दिस अलॉय टू हैव अ न्यू रेशियो 15:14:9 ये आपका अलॉय का न्यू रेशियो है और ये आपका अलॉय का ओल्ड रेशियो है, ठीक, अब क्या बोल रहा है कि आपको जिंक कितना ऐड करें, जिंक कितना ऐड करें कि जाकर, देखो ये रेशियो गिवन है, इसमें क्वेश्चन बोला कि आप जिंक कितना ऐड करोगे कि आपका नया रेशियो बन जाए 15:49:9, तो जैसे मैंने आपको इसके पहले बता रखा था क्वेश्चंस में कुछ कुछ कि इसमें ऐड क्या हुआ है, जिंक हुआ है, क्या हमारे कॉपर और निकेल के साथ कुछ किया गया है, कोई छेड़खानी कॉपर निकेल के साथ हुई है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, जिंक ऐड किया गया है, कॉपर और निकेल उतने ही उतने हैं, तो कॉपर और निकेल उतने ही उतने हैं, दैट मीन्स कॉपर और आपका निकेल जो है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, अभी भी सेम हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही रही होगी, अगर हमने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है तो उसकी क्वांटिटी जितनी पहले थी अभी भी उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, ये बात इतनी समझ में आई आपको, अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो भाई यहाँ पे क्या है, कॉपर आपका 15 है और यहाँ निकेल 9 है, बट यहाँ पे कॉपर क्या है हमारा 5 है, यहाँ पे आपका 3 है, लेकिन हमने जब कॉपर और निकेल के साथ छेड़खानी नहीं की है तो हमारा कॉपर और निकेल होना कितना चाहिए, तो भैया कॉपर 15 होना चाहिए और निकेल 9 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे है नहीं तो हम क्या करेंगे इसको बना देंगे, तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे ये 5 है और हमें लाना है 15, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है, अब बोलोगे आप कि इसको हम 15 से अगर 3 से मल्टीप्लाई किए हो जाएगा, तो इसको, तो भाई देखो ये अगर आप
क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन में आपके ऑलरेडी ऐसा नंबर गिवन होगा कि आपके ये दोनों चीजें मेंटेन हो जाएंगी। देखो आपने 15 किया इसको, तो ये 3 × 3 = 9, ये अपने आप मेंटेन हो गई है, ठीक है। तो आपको इसके परेशान होने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन में आपको ऐसे ही नंबर देगा कि आपका इजिली वो आपका वैल्यू जो है मेंटेन हो जाएगा। अब देखो रेशियो है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करे हो तो सारे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15, ये 12 और ये 9, ठीक है। अब देखो जिंक, भाई कॉपर 15 था 15 है, नहीं निकल 9 था 9 है, लेकिन क्या हो रहा है जिंक ऐड हो रहा है, जिंक ऐड हो रहा है, तो 12 था जिंक, कितना ऐड कर रहा है तब जाके 14 हो रहा है, तो भाई दो का एडिशन मतलब दो जिंक ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि दैट 1080 केजी ऑफ दिस अलॉय, मतलब 1080 केजी जो है ना, ये 1080 केजी ये आपका क्या है, टोटल अलॉय है। तो टोटल अलॉय है कितना हमारा, तो भाई कॉपर जिंक प्लस निकेल, कॉपर जिंक प्लस निकेल, दैट मीन्स कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, ये टोटल अलॉय हमारा, यही इसी की वैल्यू हमारी 1080 है। ये है कब, लेकिन ये जो हमने दो ऐड किया है ना उससे पहले किया है, दैट मीन्स हमारी जो 15, 12 और 9 है इसकी वैल्यू है हमारी 1080, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू आपकी इतनी है, तो आपके दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम आपके मल्टीप्लीकेशन वैल्यू में होंगे, क्योंकि आपका ये रेशियो है, आपका जो सारे नंबर होते हैं क्या होते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखो ये 15 और 12 क्या होता है, और 9, तो 5 × 2 = 7 और 9 = 16 और 2 × 1 = 36, मतलब 36 की वैल्यू आपकी क्या है 1080। और अगर आपसे पूछ रहा है दो की वैल्यू, तो दो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने हैं आपके 30 के मल्टीपल में है ना, 36 × 30 = 1080। अब आपका ये जो 2 होगा वो भी क्या हो जाएगा 30 के मल्टीपल में, दैट मीन 60। तो मतलब अगर आप 60 जिंक ऐड करोगे जाकर के, तब आपको ये रेशियो मिल जाएगा, क्लियर है चीज। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इस तरीके का कंसेप्ट आपका ना मिक्सचर में भी आएगा, ये आपके रेशियो का भी पार्ट है और ये आपके मिक्सचर का भी पार्ट है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, मैं आपको इस तरीके का कंसेप्ट मिक्सचर में भी बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसमें बस यही समझना था आपको कि कॉपर और निकेल हमारा उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो वो चीजें हमें क्वांटिटी उसकी सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो इसको मैं रब करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ जाएगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। ये आप लोग कर जाओगे क्वेश्चन, बस इसको ये है कि क्वेश्चन अगर एकदम ध्यान से पढ़ोगे तब कर ले जाओगे आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन एन अलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, टू गेट 69 केजी ऑफ कॉपर हाउ मच अलॉय विल बी रिक्वायर्ड। कोई अलॉय है उसमें क्या है 12% आपका कॉपर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 69 केजी कॉपर आपको प्राप्त करने के लिए कितना आपको अलॉय चाहिए होगा, ठीक है, ये बताओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस क्वेश्चन को समझना बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई अलॉय है, पहले बोला कि उसमें 12% कॉपर है, ठीक है। तो 12% कॉपर मान लिया हमने, ये अलॉय है, ये हमारा क्या है अलॉय है, ठीक है। अलॉय में क्या है, मान लो अलॉय है वो जिंक कॉपर निकेल सबका मिश्रण है, तो कॉपर प्लस जिंक प्लस जो भी है निकेल सब आपका ये अलॉय मिश्रण है, उसमें क्या है ना कॉपर आपको 12% है, कॉपर आपका 12% है, तो ये परसेंटेज वैल्यू गिवन है। तो हमने क्या मान लिया कि कोई भी चीज अपने आप में, जैसे मैं करती हूँ क्वेश्चन कि कोई भी अपने चीज अपने आप में कोई भी चीज कंप्लीट होती है, दैट मींस 100% होती है। इन द सेम वे हमने मान लिया कि हमारा अलॉय जो है कंप्लीट है, अपने आप में 100% है, ठीक है, 100% है, इतना समझ में आया। अब आपको क्या दे रखा है कि 100% मतलब 100 टोटल अलॉय में आपका कॉपर कितना है, कॉपर कितना है 12 है, ठीक है, 100 है टोटल अलॉय, उसमें 12% कॉपर, दैट मीन्स 100 का 12% 12, तो ये आपका क्या है 12 है।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि 69 केजी कॉपर, मतलब अगर 12 कॉपर है उसमें क्या है 100 अलॉय, 12 नहीं मतलब ये आप कह रहा है कि 100 अलॉय में 12 कॉपर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 69 केजी ऑफ कॉपर हाउ मच अलॉय विल बी रिक्वायर्ड। तो 69 केजी अगर आपको कॉपर चाहिए तो उसमें कितना आपको अलॉय की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपसे बता पूछा है, ठीक है। तो भाई जब हमें 12 कॉपर चाहिए था, अब जैसे आपने इस पे गया हो तो आप इससे बैक पे आ जाओ क्योंकि आपसे बैक में ही क्वेश्चन को पूछा है। तो भाई जब 12 कॉपर चाहिए होता तो हमें 100 अलॉय की नीड थी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि जब आपको 12 कॉपर चाहिए था तब आपको 100 अलॉय की नीड थी। अब आपको चाहिए कितना कॉपर, 69 कॉपर चाहिए, 69 कॉपर आपको चाहिए, 69 केजी कॉपर चाहिए, तो आपको कितना अलॉय की जरूरत होगी। तो आप बोलोगे 12 पे 100 था तो 1 पे 100 अपॉन 12 और ये 69, इतना हमें अलॉय की जरूरत पड़ेगी, समझ में आया। अब आप काट दोगे 4 3 12 25 और ये 3 2 6 3 3 9 75 आपने 57, दैट मीन्स हमें 575 केजी अलॉय की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 69 कॉपर चाहिए होगा तो, ठीक है। दैट मीन्स आपको ये क्या है, आपको अगर ये टोटल कितना 575 केजी का अगर आपका अलॉय होगा तब जाके उसमें 69 आपका क्या रहा होगा, कॉपर रहेगा, कॉपर की क्वांटिटी 69 रही होगी। क्लियर है जी, स्पेशल समझ में आया। चलो इसको नोट डाउन कर लो, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मिक्सचर में भी आएंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके रेशियो का भी पार्ट है इसलिए मैंने इसको इसमें भी करा दिया है, बाकी हम लोग मिक्सचर में करेंगे। इसको मैं रब कर रही हूँ, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये रेशियो परसेंटेज ये आपके ऐसे चैप्टर है कि आपके हर एक टॉपिक में लगभग अर्थमेटिक के कवर हो जाते हैं, तो यही सारी चीजें हैं। तो ये रेशियो भी है, देख ही रहोगे आप लोग, और ये आपका मिक्सचर भी है, ठीक है, इसीलिए ये दोनों में आ जाता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, देखो क्या कह रहा है। आप लोग पढ़ो तब तक करो, मैं भी देखती हूँ क्वेश्चन एक मिनट की क्या कह रहा है। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 660, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वाज 13:9। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड द स्कूल एंड सम बॉयज लेफ्ट, द न्यू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 6:5, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल। बताओ आप, देखो क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, टोटल 660 स्टूडेंट है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 13:9। अब कुछ दिन बाद होता क्या है कि भाई कुछ लड़कियां और आ जाती हैं विद्यालय में, और क्या होता है लड़के कुछ जो है छोड़ देते हैं, तो बताना है आपको उसके बाद फिर क्या होता है, जो अनुपात है जब लड़की ऐड होती है और लड़का निकल जाता है कुछ, तो उसके बाद रेशियो आ जाता है 6:5। तो आपको बताना है कि कितने लड़कों ने विद्यालय को छोड़ा है, ये आपको बताना है। अब देखो क्या, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है कितना आपका 13:9 है, ये आपके बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 30 लड़कियां एडमिशन ले लेती हैं, तो मतलब ये 30 लड़कियां हमने एडमिशन करा दिया, 30 लड़कियों का लड़कियां है ना, एक मिनट, आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल और ये नंबर ऑफ बॉयज, हाँ सॉरी, तो ये 30 गर्ल्स जो है आपकी एडमिशन लेती हैं स्कूल में, ठीक है। गर्ल्स के नीचे हम बताएंगे लगाएंगे कि 13 गर्ल्स ने एडमिशन लिया और कुछ लड़कों ने क्या किया है, एंड सम बॉयज लेफ्ट। हमने मान लिया कि एक्स लड़कों ने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया, एक्स बॉयज ने आपके स्कूल को छोड़ दिया है। अब जब ये प्रक्रिया हो गई आपकी तो हुआ क्या, उसके बाद आपका जो नया रेशियो बना है वो किस चीज का बना है, तो 6:5 हो गया,
6:5 हो गया है, आपसे पूछा है क्या कि x की वैल्यू बताओ, आपसे x की वैल्यू बताओ। देखो ध्यान से कि बॉयज है यहाँ पे, गर्ल्स है, ठीक है, और यहाँ पे x बॉयज ने छोड़ा है और गर्ल्स कितनी 30 लड़कियों ने ऐड हुआ है, फिर जाके हमारा रेशियो 6:5 बना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है क्या 660, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 660 थे, ये आपके ऐड और हटने से पहले थे, तो मतलब 13 + 9 ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये है कितना 22, 13 और 9 ऐड होता क्या होता 22, तो इसी 22 की वैल्यू क्या है 660 है, तो ये 30 के मल्टीपल में है, ठीक, ये 30 के मल्टीपल में, तो आपका जो बॉयज हो जाएगा वो भी 30 के मल्टीपल में होगा और आपकी जो गर्ल्स होगी वो भी 30 के मल्टीपल में होगी। अब कुछ नहीं, अब आप सॉल्व कर लो, भाई बॉयज कितने हैं 390, उसमें से जब हम कुछ हटा रहे हैं कुछ लड़कों को, और गर्ल्स कितनी है 270, फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं 30 लड़कियों को ऐड कर दे रहे हैं, तब जाके हमारा रेशियो क्या बन रहा है 6:5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो आप एक तो देख लो यहां से 5 से कट लो, 6 × 5 = 30 और 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 20, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 54 और 6 = 60 और 6 = 360, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 390 - x = 360, या फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लोगे 30, x की वैल्यू यहाँ क्या से फाइंड आउट कर लोगे 30, दैट मीन्स हमने बॉयज की संख्या में कितनी कमी करी है, तो 30 की कमी करी है, 30 लड़के विद्यालय छोड़ के जाते हैं, तब जाके क्या रेशियो होता है 6:5 का, क्लियर ये चीज, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बताओ, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ, इसको मैं रब करती हूँ, आप पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो इस तरीके क्वेश्चन है, बस आप क्या करो ना, ध्यान से पढ़ते जाओ, एकदम ध्यान से पढ़ोगे आप क्वेश्चन को, समझोगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक एक चीज क्या कह रहा है, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे ना तो आप क्वेश्चन समझ जाओगे और फिर सॉल्व कर लोगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर उस चीज को एकदम ध्यान से पढ़ोगे तब आप सॉल्व कर ले जाओगे, और ध्यान से मतलब कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आप उस टाइम पे पढ़ाई करो, ये नहीं कि 50 चीजें आपके माइंड में तुरंत आ रही होगी, अच्छा इधर ये काम करना है मेरे को, ये काम करना, मुझे वहां जाना, मुझे उस फ्रेंड से मिलना है, वो चीज लानी है, उससे ये खरीदना है, तो ये सारी चीजें नहीं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई ही करो, तभी आप समझ पाओगे चीजों को, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर इज 12:25, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड करेंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:7 एंड 5:2 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ करेंट इनकम ऑफ बोथ इज ₹31,000, देन फाइंड आउट ए एंड बी करेंट इनकम सेपरेटली, ए और बी आपका क्या है, ए और बी की इनकम का आपको रेशियो दे रखा है, फिर कहता क्या है कि इनकी जो प्रीवियस ईयर इनकम है उसका रेशियो दे रखा है, और फिर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का रेशियो दे रखा है आपको, और फिर करंट इनकम का आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, फिर आपसे पूछ रहा है कि अलग अलग ए और बी की करंट इनकम बतानी है। क्वेश्चन समझे आप, दो लोग हैं देखो ए और बी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा दूर, ए और बी ये दो लोग हैं, उनकी क्या है ये लास्ट ईयर की इनकम है, लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो आपको क्या दे रखा है 12:25, फिर क्या है आपके लास्ट ईयर और करेंट ईयर का आप इनकम, ये तो आपके लास्ट ईयर का इनकम था, अब लास्ट ईयर और करेंट ईयर का आपको इनकम दे रखा है, ए और बी का क्या दे रखा है, तो 4:7 और 5:2 ये आपको दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में करंट इनकम टोटल, करंट इनकम दे रखा है टोटल, ठीक है, और आपसे पूछा है कि ए और बी की, ए एंड बी की करंट इनकम अलग अलग,
करेंट इनकम, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। ये आपको टोटल करेंट इनकम दिया कितना है, 31000, 31000, ये आपको इतना क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, इसको ध्यान से समझो, इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखना। हमें चाहिए क्या, करेंट इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ये करेंट इनकम ऑफ ए है, ये करेंट इनकम ऑफ बी। ठीक है, एक चीज में ध्यान से देखो आप, तो आपको ए और बी की करेंट इनकम में आपस में कोई रिलेशन गिवन है क्या? मैं कहूँ ए और ए की करेंट इनकम और बी की करेंट इनकम, ठीक है, तो इनकी आपस में कोई रिलेशन गिवन है, कोई रेशियो आपस में कोई रिलेशन गिवन है? नहीं गिवन है। गिवन क्या है आपको, तो भाई करेंट इनकम का हमारे प्रीवियस ईयर में क्या इनकम रही होगी उससे हमारा रिलेशन गिवन है। और कोई भी है बंदा, मतलब मान लो आप लोग दो फ्रेंड हो, ठीक है, आप दो फ्रेंड हो, आपका करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है, और आपके फ्रेंड का करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का इनकम दे रखा है, और आप दोनों के प्रीवियस ईयर का इनकम दे रखा है, ठीक है, तो ये आपके दोनों के प्रीवियस ईयर का इनकम है, और आपके करेंट और प्रीवियस ईयर का, और आपके फ्रेंड के करेंट और प्रीवियस ईयर का इनकम है। तो इस चीज से आप क्या करेंट ईयर में कोई रिलेशन है, ये आप सिर्फ इस चीज को ध्यान से देखो, लास्ट ईयर और करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर, तो क्या आपके करंट ईयर में कोई, आपके और आपके फ्रेंड के करंट ईयर में कोई आपको रिलेशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो है किसमें रिलेशन, तो भैया आपके लास्ट ईयर इनकम, आपके करंट ईयर इनकम और आपके फ्रेंड के लास्ट ईयर इनकम और आपके फ्रेंड के करंट ईयर इनकम, इनका आपस में रेशियो गिवन है। अब देखो कि प्रीवियस ईयर है, आपके फ्रेंड और आप पे प्रीवियस ईयर में करंट में दे रखा है इनकम में, सॉरी करंट नहीं, आपके फ्रेंड और आपके प्रीवियस ईयर का जो इनकम है उनका आपके रिलेशन पता है, तो इसको आप, इसकी सहायता से आप करंट ईयर का आपके और आपके फ्रेंड का इनकम का रिलेशन फाइंड आउट करोगे। यहां से समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या गिवन और क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो भाई लास्ट ईयर इनकम यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे क्या है वैल्यू, 4 है, लेकिन ए के लास्ट ईयर की इनकम थी कितनी, 12 थी, ठीक है, कितनी थी, 12 थी। तो फिर मतलब यहां से क्या कह सकते हो, आपको 4 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। अब हमें करंट ईयर चाहिए यहाँ पे, तो करंट ईयर हमारा कितना है, 7 है भाई, क्योंकि हमारा 4:7 ही तो रिलेशन है, तो जब 4 की वैल्यू 12 है, 1 की 3 हो गई, तो 7 की क्या हो जाएगी, यहां से 7 की यहां से क्या हो जाएगी, 21, ठीक है, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21। ये हमारे ए की करंट इनकम आ गई, ये हमारे ए की करंट इनकम आ गई 21। अब सिमिलरली यहां ध्यान से देखो, लास्ट ईयर की इनकम हमारी क्या है, 5, और करंट ईयर की क्या है, 2, लेकिन हमें लास्ट ईयर की इनकम गिवन क्या है बी से, तो भाई 25 थी, तो मतलब ये 5 की वैल्यू क्या है, 25 है। 5 की वैल्यू अगर हमारी 25 है, तो हम कहेंगे कि करंट ईयर इनकम हमारी क्या हो जाएगी, तो 1 की क्या हो जाएगी, 5, तो 2 की क्या हो जाएगी, 10, तो आपके बी की ये क्या हो जाएगी, 10, बी के करंट ईयर की इनकम, ठीक है, ये आपके 10 आ गई, और ये आपके आ गई ए के करंट ईयर की इनकम। इतना समझ में आया। अब देखो करंट ईयर की इनकम का जो टोटल सम, दैट मींस ये आपका जो बी का है करंट ईयर का इनकम, और ये आपके जो ए का है करंट ईयर का इनकम, इनका सम, तो ए प्लस बी के करंट ईयर का, करंट ईयर इनकम का सम, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, तो 21 + 10, दैट मींस 31। इसी 31 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 31,000, क्या गिवन है, 31,000, कितने के मल्टीपल में है, 1000 के मल्टीपल में है, तो आपकी ए की करंट ईयर की इनकम क्या हो जाएगी, तो भाई थी कितनी, 21, वो भी क्या हो जाएगी, 1000 के मल्टीपल में हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू 31 आपकी 1000 के मल्टीपल में है, तो बाकी अदर्स आपकी जो इनकम है ए और बी की रिस्पेक्टिवली, वो भी क्या हो जाएंगे, आपकी 1000 के मल्टीपल में हो जाएंगी, तो बी की इनकम क्या हो जाएगी, थी कितनी, 10, वो भी क्या हो जाएगी, 1000 के मल्टीपल में, तो आपकी ए की इनकम क्या हो जाएगी, 21,000, और बी की इनकम क्या हो जाएगी, 10,000, ये आपके रिस्पेक्टिवली ए और बी की इनकम करेंट ईयर की आ गई। क्लियर, ये चीज समझ में आया, ये चीज, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, आप मेरे को बता दो इसको। देखो
इसमें आपको बस ये ध्यान देना था कि यहाँ आपको करंट ईयर और लास्ट ईयर की इनकम गिवन है और आपसे क्वेश्चन में करंट ईयर का बात पूछा है, तो हम यहाँ से करंट ईयर का आपस में कोई इनकम नहीं निकाल पा रहे क्योंकि करंट ईयर का हमारा आपस में कोई इनकम नहीं दिया। हाँ, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर से जब यहाँ पे कंपैरिजन किया है तब जरूर हमें करंट ईयर मतलब तब जरूर हमें ए और बी में रेशियो पता चला है, तो उसी रेशियो को उसी ए और बी में रिलेशन का हम यूज करके यहाँ से हमने प्रीवियस ईयर वाले को कंपैरिजन करके और करंट ईयर का आपस में ए और बी में क्या वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद से हमने जो इंडिविजुअली पूछा था आपसे करंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी वो हमने निकाल लिया। क्लियर है, समझ में आया? अब चलो इसको आप एक चीज और देखना कि ये देखो ये अब हमने ये अभी जो लिखा था 4, 12, 1, 3 इतना अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। राइट साइड में आपका क्वेश्चन हट गया होगा, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा अब तक मुझे उम्मीद है, तो आप देखो करोगे कैसे इसको। भाई ए इज टू बी का रेशियो क्या है आपका 12:25, ये लास्ट ईयर का है, ये आपका लास्ट ईयर का है और लास्ट ईयर टू करंट ईयर आपको इनकम क्या गिवन है तो 4:7 and 5:2। अब इस इनकम को आप ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, देखो वैसे भी यहाँ पे आपका डायरेक्ट मल्टीपल हो जा रहा है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन सपोज अगर आपका यहाँ पे फ्रैक्शन बनता अगर सपोज तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम ये जो गिवन है नंबर 4 और 5 इसका हम एलसीएम लेते और इस लास्ट ईयर की इनकम में मल्टीप्लाई कर देते, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड करते, तब हमारा फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनता। देखो लकली इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बना है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट आ गया 4 3 12 3 का मल्टीपल है तो हम डायरेक्ट यहीं से कह देंगे 21 और ये 5 5 25 5 का मल्टीपल है तो हम डायरेक्ट यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, मतलब ए और बी का इनकम हमारा आगे 21 और 10, फिर उसके आगे प्रोसीड कर देंगे। क्लियर है? देखो अभी इसमें आपका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप बिना ये सब लिखे हुए कैसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगी आपको। ये समझ में आया, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं आप मेरे को कॉमेंट करके एक बार बता दो। देखो अब क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो पहले तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दो जिससे आपके साथ साथ आपके और भी लोग जुड़ जाएं और भी लोग सीख सके और भी लोग इस चीज का फायदा उठा सके, तो आप शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक भी कर दो वीडियो को। और बाकी ये चीजें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो और समझने की कोशिश करो, एक दो बार वीडियो को फिर से देखना नया कंसेप्ट है ये चीज आपके लिए, तो आप भागना नहीं इस चीज से और 2-3 बार देखना इस वीडियो को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ जाएगी, बस आप पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, भागना नहीं, तो आप पढ़ोगे तो मैं क्या कहने की कोशिश की हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको मैं रब करती हूँ, अब इसको मैं रब करती हूँ, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेती हूँ, अब मैं इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेती हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, आप लोग इसको क्वेश्चन को आप ट्राई करो, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पे 2 लोग थे अब यहाँ पे ए बी सी 3 लोग आ गए हैं, है ना, अब इसको आप लोग ट्राई करो। फटाफट से आप लोग ट्राई करो इसको, देखो क्या क्या आ रहा है। द रेशियो ऑफ ए बी सी लास्ट ईयर इनकम दे रखा है 3, 4, 5, ठीक है, इसको चलो सॉल्व करो, मैं भी करती हूँ। पहले इसके पहले 2 लोग थे, अभी क्या आ गए हैं 3 लोग आ गए हैं, क्लियर ये चीज। रेशियो ऑफ ए बी सी लास्ट ईयर का क्या दे रखा है तो भाई है 3, 4, 5, ठीक है 3, 4, 5, और अब ए बी सी का आपस में लास्ट ईयर और करेंट ईयर से इनकम है, ये ए बी सी इनका आपस में है, ए का लास्ट ईयर करंट ईयर, बी का लास्ट ईयर करंट ईयर और सी का लास्ट ईयर करंट ईयर में इनकम है क्या आपका 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3 और 3, 4, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, सम ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी दे रखा है, इनकम ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी गिवन क्या है आपको 7880,
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या है 7880, और आपसे पूछा क्या है, फाइंड आउट करेंट इनकम ऑफ ए बी एंड सी सेपरेटली। तो आपको ए बी सी इनकी सेपरेटली इनकम की वैल्यू बतानी है करंट ईयर की, ठीक है। ये आपसे पूछा है, ये आपसे बतानी है आपको वैल्यू एबीसी की सेपरेटली करंट ईयर की इनकम, और आपकी ए प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स आपके इनकम का सम गिवन है। चलो बताओ आप, इसके पहले जैसे मैंने करा था आप एकदम उसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। और मैं आपको जैसे अभी मैंने इधर साइड में बताया था ना एक क्वेश्चन की, इसको और इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, इसमें मैं समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू अलग अलग है। उसमें जो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीपल आपका मिल जा रहा था, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीपल नहीं मिल रहा है। इसमें मैं समझाऊंगी कि इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में, शॉर्ट ट्रिक क्या है इस चीज की, ये मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखो, इसके पहले जैसे मैंने किया था उस तरीके से आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इस वाले में मैं बताती हूँ कि क्या करना है। देखो, अब देखो ये चार की वैल्यू, ये तो समझ में आ गया आपको कि लास्ट ईयर और करंट ईयर का आपको रेशियो दे रखा है। तो लास्ट ईयर और करंट ईयर का आपका वैल्यू दे रखा है, बट हमें करंट ईयर का आपस में एबीसी में कोई आपको रिलेशन नहीं पता है। तो ये हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रीवियस ईयर वाली हेल्प से, प्रीवियस ईयर की इनकम से फाइंड आउट करेंगे उसके रिलेशन से। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का रिलेशन हमको आपस में एबीसी का पता है, तो हम प्रीवियस ईयर वाले को कंपेरिजन करके हम रिलेशन अभी करंट इनकम की एबीसी में पता लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, तो भाई मैं कह रही थी क्या कि आपको देखो यहाँ पे 4 ही क्या है, 4 की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। 2 की वैल्यू आपकी क्या है 4 है, और 3 की वैल्यू क्या है 5। अब देखो ये आपका डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, ठीक है, आपकी यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू कोई तो कोई बन रही है, यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। आप इसको सॉल्व करना, इसके पहले जैसे मैंने बताया था सेम उसी तरीके से सॉल्व करना, आपका आ जाएगा। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं, तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगी, तो उस फ्रैक्शन वैल्यू से हमें बचने के लिए हमको जो लास्ट ईयर की इनकम है उसमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें फ्रैक्शन ना बने। तो आपका ऐसा नंबर होगा क्या? तो ये जो लास्ट ईयर की आपको लास्ट और करंट ईयर की इनकम दे रखी है ना, उसकी जो लास्ट ईयर की इनकम है दैट मीन्स 4, 2 और 3, ठीक है। तो इनके क्या करोगे आप, 4, 2 और 3 के एलसीएम से जो आपका लास्ट ईयर का एबीसी में आपको रेशियो दे रखा था उसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तीनों रेशियो में, क्या इनके एलसीएम से, दैट मीन्स 4, 2 और 3 के लास्ट ईयर जो आपको लास्ट और करंट ईयर का इनकम दिया है उसके लास्ट ईयर के इनकम के आपके एलसीएम वैल्यू से जो ये वाली वैल्यूज है उसमें उन उस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपकी रेशियो में फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रेशियो आपकी तब भी एज इट इज 3, 4, 5 की ही बनी रहेगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या फ्रैक्शन से बचने के लिए ये चीज कर रहे हैं। अब देखो एलसीएम 4, 2 और 3, एलसीएम ऑफ यहां लिख देती हूं, एलसीएम ऑफ 4, 2 और 3 क्या हो जाएगा, तो 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आया क्या 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 36 हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा 48, और ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब आपका ये नया वैल्यू आ गया आपका एबीसी का, मतलब लास्ट ईयर आपकी क्या आ गई है वैल्यू, ए की 36, लास्ट ईयर की बी की क्या आ गई है 48, लास्ट ईयर सी की क्या आ गई है 60। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे, डायरेक्ट हम कंपैरिजन कर लेंगे, और हमारा फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनेगा। आप देखना, तो ये 4 की क्या दिखा रहा है 36, ये 4 ही क्या है 36, तो 4 की वैल्यू 36 है, कितने मल्टीपल में है, तो आप बोलोगे 9 के मल्टीपल में है। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर 9 के मल्टीपल में है तो आपका ये जो करंट ईयर होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका 9 के मल्टीपल में हो जाएगा। जिसको भी आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो करंट ईयर का इनकम है वो क्या हो जाएगा 45, वो क्या हो जाएगा यहाँ से 45। सेम वे में देखो 2 की वैल्यू ही क्या है यहाँ पे 48 है, दैट मीन ये 24 के मल्टीपल में है, ठीक है। अब आपकी जो करेंट ईयर की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी यहां से 24 के मल्टीपल में हो जाएगी, दैट मीन्स आपके
करेंट ईयर बी का करेंट ईयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो चाहती है 12 × 3 = 6 = 7 = 72। आपके बी की करंट ईयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72। उसी तरीके से आप सी की निकाल लोगे तो 3 की वैल्यू ही क्या है, लास्ट ईयर की 60 है, तो ये कितने के मल्टीपल में है, 20 के मल्टीपल में है, तो आपकी करंट ईयर की वैल्यू वो भी 20 की मल्टीपल में हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी करंट ईयर की इनकम हो क्या जाएगी, तो बोलोगे आप 80। ठीक है, अब देखो ये आपस में ए बी सी के ये करंट ईयर का रेशियो आ गया, आपस में ए बी सी के करंट ईयर का आपको रेशियो आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट ईयर का आपको गिवन है इनकम का सम, दैट मीन्स आपको 45 + 72 + 80 इसी की वैल्यू आपको गिवन है और आपसे ए बी सी की इंडिविजुअली पूछ रखा है, तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे, अभी आप ऐड कर लोगे 12 × 8 = 20 = 207। ठीक है, इसी 207, हाँ ये 207 ही है ना, एक मिनट देख लो, 5 × 2 = 7, फिर 8 × 4 = 12 और 12 × 7 ये क्या हो जाएगा 197। ठीक है, ये आपका क्या है 197, तो इसी 197 की वैल्यू क्या है, 7880, क्या है आपका 7880। अब आप देखो कितने के मल्टीपल में है, तो आप बोलोगे 40, 7 × 28 9 × 36 37 38 और 4 × 4 = 5 6 7, तो ये आपका 40 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो आपकी जो इनकम होगी ए बी और सी की, तो आप वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी 40 के मल्टीपल में हो जाएगी। यहाँ पे क्या है आपका 45A, वो भी क्या हो जाएगा 40 के मल्टीपल में। बी क्या है आपका 72, वो भी क्या हो जाएगा 40 के मल्टीपल में। सी आपको क्या है 80, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 40 के मल्टीपल में। अब आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दोगे, आपका वही ए बी सी का क्या आ जाएगा, इंडिविजुअली उनका इनकम आ जाएगा करंट ईयर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 5 × 20 × 4 × 16, ये क्या आ जाएगा 1800, ये 4 × 8 × 7 × 28 और ये क्या आ जाएगा 3200। तो आपका ए बी सी का अलग अलग क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट ईयर का इनकम आ जाएगा। क्लियर ये चीज, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, और इसको इसके पहले जैसे मैंने अभी आपको बता रखा था, अब उस तरीके से भी ट्राई करना। ठीक है, जैसा मैंने इसके पहले बता रखा था यहाँ पे ये चीज, अब उस तरीके से भी ट्राई करना, आपको देखना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर आप देखो कंपैरिजन कर पाओगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, यहाँ पे हमने कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक बना दिया है और आप वहां क्या कह रहे थे, है वही चीज लेकिन उसको डायरेक्ट इसमें कर दिया गया है और जिससे कि आपके मल्टीप्लीकेशन में इजी हो। ठीक है वही चीज करना, वही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप पहले उसको भी इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी सॉल्व करना और देखना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को देखना मेरे और फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे जरूर लग जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। मुझे उम्मीद है ये वाली क्वेश्चन, लास्ट ईयर करंट ईयर इनकम वाली, ये चीजें अब आपसे हो जाएंगी, अब आपको इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इश्यू नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग कुछ आगे करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर दूं अब, चलो इसको मैं रब करती हूं, आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाएगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो फटाफट से। ये देखो ये सारे कंसेप्ट आप समझ लेना, आप इससे भागना नहीं, मैं बार बार कह रही हूं, आप हमेशा इजी क्वेश्चंस तो करोगे नहीं, आपको इन सारे क्वेश्चन से भी एक बार गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो फेस करना चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे लाइफ में तभी तो मजा आएगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन है, ₹2186 इज डिवाइडेड इंटू एम एन एंड पी सच दैट 26, 28 and 32 are subtracted from the share of M, N and P. Then the ratio of their shares become 9, 13, 8. अब आपसे पूछा find the share of M. क्वेश्चन आपने समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आए क्वेश्चन की लैंग्वेज। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका रुपए है 2186, ठीक है, उसको एम एन और पी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया एक रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो में गिवन नहीं है, एक रेशियो में डिवाइड किया गया,
फिर क्या क्या रहा है, जो रेशियो है आपका एमएनपी, तो एम में से क्या करते हो, 26 रुपए माइनस करते हो, एन में से 28 माइनस करते हो, पी में से 32 रुपए माइनस करते हो, तो माइनस करने के बाद जो है आपका रेशियो क्या आ जाता है, 9:13:8। ठीक है, आपसे फिर पूछा है कि एम का शेयर क्या था, एम का शेयर फिर आपसे पूछ रखा है कि उसमें क्या था। चलो देखो करते हैं हम लोग, क्या है, तीन नंबर है एम एन और पी, एम एन और पी। तो भाई जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब हम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा रेशियो आता क्या है, तो हमारा रेशियो क्या था, 9:13:8, 9:13:8 ये हमारा रेशियो आता जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो जब कोई हमारे यहाँ पे रेशियो रहा होगा, ठीक है, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर पर्टिकुलर, कौन कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट किए, इसमें -26 किया है, इसमें हमने -28 करा है, और इसमें हमने -32 किया है, तो इन नंबर्स में कोई रेशियो रहा होगा नंबर, उस नंबर से क्या करा हमने, -26 किया, -28 किया और -32 किया, फिर जाके हमें एन एम एन और पी का रेशियो क्या मिल गया, तो 9:13:8, ठीक है, ये मिल गया। तो ये बताओ अगर हमें इस रेशियो से स्टार्टिंग में, मैं कहूँ कि मेरा स्टार्टिंग में रेशियो क्या था, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो क्या, जरूर कर सकते हो। कैसे, सुनो, जब ये इस रेशियो में से आप ये नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तब जाके हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हमें बैक ईयर में जाना है, तो हम ये माइनस ना करके हम इसमें ये नंबर अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा पहले रेशियो कितना था। क्लियर, तो हम बोल लेंगे क्या कि हमारे एम की वैल्यू एग्जैक्टली थी कितनी पहले, तो 9x+26 रही होगी, पहले हमारी एन की वैल्यू क्या थी, तो आप बोलोगे 13x+28 रही होगी, हमारे पी की वैल्यू क्या थी, तो 8x+32 रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग में एम एन और पी का रेशियो रहा होगा, तभी तो देखो अगर हम इस रेशियो में से 26 माइनस कर देते हैं तो जाके हमें 9 मिल जाता है, इसमें इस रेशियो इसमें से अगर इस वैल्यू से हम 28 माइनस कर देते हैं तो हमें रेशियो 13 मिल जाता है, सेम वे में अगर हम इसमें 32 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। ये समझ में आया, मतलब हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग में हमारे एम एन पी का रेशियो क्या था। अब देखो आप निकाल लोगे, ये जो एम एन पी इसी में तो डिविजन हुआ है रुपए का, 2186 रुपए का, 2186 ये जो अमाउंट है इन्हीं एम एन और पी में ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आपके एम एन और पी को ऐड कर दोगे तब जाके हमें पता चल जाएगा इनके जो ऐड की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, 2186 के इक्वल हो जाएगी, दैट मींस 9x+26+13x+28+8x+32 क्या है आपका, इज इक्वल टू 2186, क्योंकि आपके ये m प्लस n प्लस p स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में ही क्या था, 2186 था, ये आपका m प्लस n प्लस ये वाला है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये बाद वाला नहीं है, माइनस करने के बाद वाला नहीं, पहले वाले की वैल्यू दे रखी है, तो अब आप ऐड कर दो, अब आप निकाल दो, तो यहाँ पे 13x है और यहाँ पे 8x है, 13 और 8 21, और 21 और 9 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30x, और ये आप ऐड करो क्या है आपका 28, और 28 और 32 क्या होता है 60, 60 और ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा 86 आप ऐड करो क्या हो जाएगा 86, तो मतलब ये 2186 आ गया। अब यहां से 30x क्या आ जाएगा आपका, तो ये आप माइनस करोगे 2186 में, तो क्या जाएगा 2100, ठीक है, अब यहाँ पे 30 जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में कर दो इज इक्वल टू 30, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3×7=21, दैट मीन 70। अब आपके x की वैल्यू क्या है 70 है, आपसे पूछा क्या कि m को जो है कितनी m का शेयर क्या, m को कितनी राशि मिली है, तो m को देखो m की क्या है 9, ठीक है, तो आपका m क्या है यहाँ पे 9x, ठीक है, आपको पता ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9x+26, m को कितनी राशि मिली है, तो 9x+26, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 70, तो m इज इक्वल टू 9x+26 आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9×70 630, और प्लस 26 कर दो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टोटल, तो आपका क्या आ जाएगा 630
और प्लस 26 इज इक्वल टू 656। ये आपकी क्या है, m का शेयर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आप निकाल लेना कि आपके n का शेयर क्या होगा और आपके p का शेयर क्या होगा। क्लियर ये चीज, ये समझ में आया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको करना क्या है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। इसे बस ये ध्यान देना था आपको कि अगर माइनस कर दिया हमने, फिर रेशियो अगर हमारे ये मिला है, तो अगर हमें पहले जाना है तो हमें उसमें ये जो माइनस की हुई वैल्यू है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको ऐड करके देता तो आपको माइनस करना पड़ता। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको रेशियो बाद में ऐड करके आ रहा है या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करोगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसको मैं रब करती हूँ, इसको मैं रब करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले या फिर यहीं पर ब्रेक कर दूं, बताओ, फिर अगले लेक्चर में लूंगी क्लास। चलो इसको मैं आज यहीं पर एंड कर देती हूँ। ठीक है, आज यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, तो आज इसीलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर तक आपका रेशियो का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेशियो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो बस आपको रेशियो की फिर प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और हाँ, देखो आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर आपके क्वेश्चंस फंस रहे हो कहीं भी, या तो परसेंटेज में, या तो रेशियो में, या फिर अगर आप किसी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पे कुछ इशू वगैरह है आपको क्वेश्चन का, तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, और वहां पे चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आई चीजें कि नहीं समझ में आई, ये सारी चीजें आप हमें कमेंट करके बताओ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप, और लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लगता हो। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, रेशियो के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और बस यूं ही आप हमारे साथ बने रहो, हम लोग और ज्यादा वैरायटी करेंगे, कवर करेंगे, और सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से लगाए स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप अगर बने होंगे हमारे साथ कंटिन्यू, तो आपने ये फील करा होगा कि हमने चीजें एकदम बेसिक से उठाई थी, निकाला कैसे, हम लोग ये सब सीखे थे कि निकालते हम लोग कैसे हैं रेशियो, एक छोटी सी छोटी रेशियो कैसे निकालते हैं। और अभी आप लोग क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि धीरे धीरे हमने स्टेप बाय स्टेप क्या अपना लेवल उठाया है। ठीक है, तो देखो जिन बच्चों को नहीं था कि अरे मैं बहुत बेसिक पढ़ानी है, तो उनके लिए अभी लेवल आ रखा है। तो आप अब ये सारी चीजें आप लोग सॉल्व करो, और आप ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ चीजें आपको ग्रास्प हो रहा है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं, ठीक है, मैं फिर आपको नया चीजें कुछ और तरीका समझाऊंगी और चीजें सिखाऊंगी। चलो फिर अभी यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब एक ही बार में सब कुछ तो नहीं ना प्रोवाइड किया जा सकता, तो धीरे धीरे हम लोग चीजें कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। मुझे उम्मीद है शायद मे भी आपका रेशियो का नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, और बाकी आपको रेशियो वगैरह में या परसेंटेज में कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे डिस्कस कर लो। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।